मेरा बेटा कब गया, क्या जना सुनते तुम्हें। लेकिन मोई तो जो सवाल छोड़ कर जा रहे उनके सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे आपने। डेली क्लेश। फिर भाई की डेथ हो गई बड़े वाले की, उसकी डेथ के बाद भतीजे की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। मेरा है कई दिनों तक घुटा है मोहित भीतरे भीतर आपकी वजह से। अब छोरा मेरी माँ रमरी वाण दोरा होगा, मेरे ससुराड़िया घर मेरी बुआ कोई रोल नहीं होगा। आपकी जेठानी का छोरा था, आपका जेठ का छोरा था, आप पे का बालक तो था वो। मोहित आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाकर जा रहा है जी। सुसाइड करने से पहले उसने साफ तौर पर कह रखा है आपने टॉर्चर कराया, मेंटली उसको हरासमेंट कराया, आपके ससुर आपका जो पीर है उसके द्वारा भी उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया और आखिर में दुखी होकर मोहित ने सुसाइड कर ली। इतना कुछ होने के बाद क्या महसूस कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, उसकी बुराई उसके लग गई, मैंने उसके साथ जो भी कुछ बुरा करा होगा मेरे आग आ जाएगी, मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जो भी होया जो भी कुछ था मैंने कुछ नहीं कहना बस। बहनजी परिवार में छोटी छोटी बात हो जाकर रोड़ा होया कर, लेकिन इतना उसको तकरार देना बहुत होया, पर सब ने सब बात है मेरा, मैंने अपने मुँह तो ना कुछ कहना ना मैं कहने जोगी। राम ने छोड़ दी, मेरा एक साल का बेटा है, मैं कुछ नहीं कहती बस। लेकिन मोहित जो सवाल छोड़ कर जा रहे उनके सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे आपने। मैं मानू सदमा हो आप, लेकिन जो कदम उसने उठाया है साफ तौर पर नहीं कहा भगवानी सी बहू किसी ने ना दियो। मैंने उसके साथ इतनी बुरी नहीं कर रखी थी जो वो इतनी बुरी बुरी कह गया। अरे बताओ जीवन लीला खत्म हुआ कर ले आदमी, एक मिनट जी जी नु बताओ, वीडियो में साफ साफ बनाया का जो जा रहा है वो साफ तौर पर न्यू कहने लग रहा है अगर भाई मेरी घरवाली ने मेरे को इतना टॉर्चर कर दिया, इतना परेशान कर दिया। एक बात बताओ, आपकी जिठानी का छोरा था, आपका जेठ का छोरा था, आप पे का बालक तो था वो, है जो आपका ही है, आपका फर्ज कौन बनता के परिवार का ही मेम्बर तो है वो। करूँ थी मैं उसका वीडियो में कहने लग रहा है मानवाया करती तो मैं उसकी रोटी सब्जी सारी सब कुछ आगा आगा करूँ थी, मैंने बड़ा सा भी फर्क नहीं रखा, दादी ने एक साल हो गया खाट में, मैं सारा काम करूँ थी आगे जो भी लुगाई का काम हो मैं सब करूँ थी, फिर भी मारी दो तीन बार पंचायत हुई, दो छोटी छोटी बात पर लड़ाई, क्या है ना क्या है पे, कभी यो नहीं करती वो नहीं, अपने घर क्या मैं मोह रख है नू रख है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती बस। मेरा है कई दिनों तक घुटा है मोहित भीतरे भीतर आपकी वजह से। आपने उसकी आज़ादी खत्म कर दी, आप उसको आज़ादी से जीने देते तो उसका काम में भी जी लग गए, घर में भी जी लग गए, आपने ताने दे दे कर ताने मर मर के उसको खत्म बना दिया। मैंने कोई उस ताने नहीं दिए, मैंने उस कोई ताने नहीं दिए, सब झूठ है बस, मैं वो चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तसल्ली होगी बहन जी, मैं भी दुखिया बोलूँ, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तसल्ली होगी, वह लाने मेने ताने ईब आ गया सबर सबर। असली टूम कौन सी थी आपकी, न्यू बेरा है वो ही था बहन जी, असली टूम बेरा कौन सी थी आपकी, वो ही था जो गया। फिर क्या मिल गया, इब आ जाएगा वापिस सब कुछ यू, जो बर्बादी का मंजर इब देख रहे हो उल्टा हो जाएगा सब कुछ यू है। तो ये बहुत बड़ा सबक है भाई, बहुत दुखद तस्वीरें हैं, बहुत दुखद ये उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलेश करके घर ने नरक बनाए दे हैं। अरिब न्यू बताओ, इसने उस टाइम पर तो ताने मारे जो भी कराया, अरिब न्यू देखो इस परिवार का लाल जानदा रहा, हर चेहरे के ऊपर मायूसी है, तो हम देख सको हर चेहरा एक इंसाफ की मांग रहा है। ये घर की बड़ी मुखिया है जो कि आज के, हाँ जी अच्छा, मोहित की दादी है जो मेंटली, ये देख लो भाई, अब इसने देखो इस उम्र में ये चीजें सुननी पड़ रही है, ये है? एक साल से चलो अब ये तो बोलने की हालत में भी कौन नहीं होगी, एक साल से नहीं नहीं है। लेकिन बहुत दुखद घटना है ये, 5 दिन हो गए पुलिस को, मेंटली तो बेरा पटे लिया हुआ इन्हें थोड़ा बहुत, तो दिमाग में लिया हुआ तो न्यू देखो बुढ़ापे के इस दौर में के तो इसके दिल पर बीतरी होगी, और वो उनके जो इसके घर वाले थे, ये इसकी सासू इसके साला अब तक नहीं आए। हाँ ये बिल्कुल देखो परिवार का, पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है अगर भाई जो पीर है आना बने था ना उनका बेचारा भाई, दुख की इस घड़ी में उन्हें बैठ कर सांत्वना भी देनी चाहिए थी, और मामला का भी दूध का दूध पानी का पानी करना, सासू नहीं थी वह बिल्कुल, साला भी है बिल्कुल,
आना नहीं था, कोई उनका कोई उन्हें तंग करा था। मका बेटी में दुख पड़ जाए ना, माँ तो तेरा मिता ही अपनी बेटी के अंगो भरिया बैठी रहो है, कन्हैया भी लागर ना कोनी रहा मेरी बेटी है या अरे या बूढ़ी तड़प लाग रही मन तो डोड पड़वाए थे मेरी बेटी मना नू नहीं मेरा था मेरी बेटी है ना नू बनाएगी दो छोरे थे ये दोनों गए। ये जो दुखद तस्वीरें हैं कुछ कहना चाह रहे थे सनी भाई? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, हम दिन में भी SHO साहब तभी मिले हैं, उन्होंने मरता सिर्फ और सिर्फ थाने मामला दर्ज है, गोवाना सदर थाने मामला दर्ज है जी, उन तक मिले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है। पूरी घटना के ऊपर ये बात है जी, जो हमने आज भी हम SHO साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमारे आश्वासन दिया है खाली कि भाई हम कर रहे हैं, हमने इतना कराया कि भाई यहाँ हमारा भाई नहीं जिसने छोड़ दिया वो हमारे सामने 4-5 दिन तक हमारे सामने है भाई दवे मान लो आग में अंदरानी उसमें कुछ भी काल उसका कुछ हाथापाई कर दी उसका कौन जिम्मेवार? मतलब तक भी भाई पूरे परिवार को कानून पर विश्वास है, विश्वास कानून पर भरोसा है ईब तक भी न्यू समझ लो, हालांकि पूरा परिवार सदमे में है भरिया बैठा है लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पर एक उम्मीद है, उम्मीद है जिसके कारण उस तक बोल भी नहीं हम इतना पा रहे कि भाई हमने इतना विश्वास है प्रशासन करेगा जो भी करेगा बहुत बढ़िया करेगा, इतना ना तो अंधा कानून है मान ले था जो भी था, आज सब कुछ एजुकेटेड हो रहा है ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, हमने इतना विश्वास है हमारे साथ प्रशासन न्याय करेगा जो भी हमारा भाई कह गया है ठीक है, हमने उम्मीद है पूरी पूरी आज जो SHO साहब ने कही है उस चीज से आज तक अभी तक भी हम दोपहर में करीब करीब 1:30 बजे से उनके पास गए थे SHO साहब से बात करी है सदर थाना गुवाणा से, वहां तक उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम अभी जा रहे हैं। सनी भाई मोहित तो कुछ वीडियो में और परिवार के बारे में भी कुछ बात कहकर जा रहे हैं। हाँ परिवार के बारे में भी इतना भी वो कहकर है बच्चा है जो है उन्होंने देखो मैं तो इतना कहना चाहूंगा जिसने औरत है जो उसने हमारा भाई नहीं छोड़ा जी वो इतना भी क्या कह रहा है उसका जो लड़का है छोटा सा 1.25 साल का है वो भी ये कह रहा है मैं इतनी गंदी परवरिश चांदानी दर्शकों ने मेरा... मोहित के आवाज में सुना था के क्या कह रहा है भाई ये मोहित के बोल है हमारे बोल नहीं है पढ़ लिए मेरा छोरा मेरी माँ रमरी वाण दोरा रहोगा मेरे ससुराड़िया घर मेरी बुआ कोई रोल नहीं होगा मैंने इसी गंदी परवरिश इसे गंदे इंसान नहीं चाहिए अगर कानून सजा देता हो तो कि अगर उन्हें बढ़िया सजा दो कि अगर मैं अखर परेशान हो रहा इस परेशानी है उसने बनाया वीडियो बनाई है यानी कि मोहित आखिरी टाइम पर भी आखिरी टाइम पर भी मोहित कानून में विश्वास जता रहे हैं। हाँ आखिरी टाइम पर मरते मरते भाई ने ये कह गया है भाई महाराज जो भी है कानून पर पूरा भरोसा है प्रशासन करेगा न्याय करेगा इसी बात नहीं है न्याय करेगा हमारे साथ। कितनी पढ़ाई कर रहा था मोहित? ठीक है मोहित ने MA कर ली थी MA अभी PhD एडमिशन है जी उसका PhD कर रहे थे भाई साहब PhD में भाई साहब का था PhD की तैयारी चल रही थी भाई साहब पढ़ा लिखा था इसी बात नहीं है बहुत वो था वो तो मेंटली प्रेशर इतना कर दिया मेरा भाई जो वो नहीं जी पाया। चलो भाई इन दुखद तस्वीरें पर छोड़कर तरते जान लग रहा हूँ और जो सदर थाना गोहाना की जो पुलिस प्रशासन है उससे हमारी अपील है कि मामले का दूध का दूध और पानी का पानी करे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जावे। एक माँ जो खून के आंसू रोने लग रही है एक बाण जो मतलब उसने भी न्यू नहीं समझ मारे कौन सी कलाई ढूंढूँ जिस पर मैं राखी बांधूँ तो इस तरह ज़्यादा दुखद तस्वीर को नहीं हो सकती भाई। तो घर का इस एक छोटा सा कलह जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसियाना उजड़ गया पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया तो पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जावे। हम तो इतना जी माननीय SHO साहब आप सुनते भी होगे देखो जी हमारे साथ इतना न्याय कर दो हमारा जो भाई का कदर है उसकी लास्ट इच्छा पूरी हो जावे उसका बेटा है जो है हम भाई है मामा के लड़के हो? हाँ जी मैं उसके मामा का लड़का हूँ जो वो कह कदर है मरते टाइम कोई झूठ नहीं बोलिया करता ठीक है उसकी इच्छा पूरी हो जाए उसका जो है बेटा है उसके बारे में उसकी प्रवेश हम अपने हाथ तक कराएंगे जी। चलो भाई कर दो इन दुखद तस्वीरों को शेयर इसलिए कर दो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म।